नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करेंगे मोबाइल के माध्यम से जन आधार कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हम घर बैठे ही बड़ी ही आसानी से निशुल्क रूप से। तो आप देख सकते हैं हमारा थंबनेल भी इसी तरह का है, मोबाइल से जन आधार कार्ड डाउनलोड करें घर पर ही, ऑनलाइन प्रोसेस काम होगा चुटकियों में, अब आसानी से घर बैठे रजिस्ट्रेशन करें मिनटों में। तो हम इस वीडियो में यही सब कुछ जानेंगे कि मोबाइल से जन आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें, जबकि हमें जन आधार आईडी या जन आधार इनरोलमेंट नंबर भी नहीं पता हो तो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं हम आधार कार्ड की मदद से। तो आइए हम पूरी बारीकी से एक एक चीज़ समझते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं प्ले स्टोर पर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो आइए चलते हैं सीधा प्ले स्टोर की ओर। जैसे ही हम प्ले स्टोर पर आएंगे तो हमें यहाँ ऊपर सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा। इस सर्च के ऑप्शन पर हमें जन आधार टाइप करके सर्च करना होगा, जन आधार ऐप। तो आपको सबसे पहला एपी जन आधार का वही मिलेगा, DOT GOR का गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐप है। हम इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो हमारा ओपन का ऑप्शन मिलेगा, हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। जैसे हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस होगा जन आधार, और इसमें हमें चार तरह के विंडो उपलब्ध होगी। इसमें पहली है गेट जन आधार आईडी, इसके माध्यम से हम हमारी जन आधार आईडी प्राप्त कर पाएंगे। एक है गेट DBT डिटेल्स, तीसरा ऑप्शन है गेट जन आधार स्टेटस, और चौथा है गेट ई कार्ड। तो हम सबसे पहले देखते हैं गेट जन आधार आईडी, इस पर क्लिक करके हम यहाँ से जन आधार एक्नॉलेजमेंट अगर नंबर है हमारे पास तो हम वो डाल के गेट फैमिली डिटेल्स से हम हमारी जन आधार आईडी पता कर सकते हैं फैमिली वाली। अगर हमारे पास वो नहीं है एक्नॉलेजमेंट नंबर तो हम आधार से भी हमारी फैमिली आईडी ज्ञात कर सकते हैं, और अगर फैमिली आईडी है तो उसके माध्यम से हम हमारे फैमिली मेम्बर्स की लिस्ट देख सकते हैं। अगर आपके पास जन आधार एक्नॉलेजमेंट नंबर भी नहीं है और फैमिली आईडी भी नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड की मदद से इसे आसानी से यहाँ से, जैसे आप यहाँ आधार कार्ड इंटर करेंगे और गेट फैमिली मेंबर्स की लिस्ट निकालेंगे तो आपके जितने भी उस आधार कार्ड से संबंधित जन आधार में जितने भी सदस्य जुड़े होंगे उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने हो जाएगी। उसके पीछे मोबाइल नंबर दिए होंगे, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक OTP आएगा, उस नंबर पर वो OTP इंटर करेंगे तो हमें फैमिली आईडी प्राप्त हो चुकी होगी। हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम आपको दिखा देते हैं किस तरह की आईडी आएगी आपके पास। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आधार आईडी डालने पर, जैसे मैंने गेट फैमिली डिटेल की तो यहाँ जी इस आधार से जुड़े हुए दोनों फैमिली डिटेल आ गई। यहाँ पीछे आपको इस जगह पे मोबाइल नंबर दिए हुए, हमने इन पर क्लिक किया तो हमें फैमिली जन आधार आईडी प्राप्त हो चुकी है। हम यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ओके पर क्लिक करके यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। आइए हम भी बाहर चलते हैं यहाँ से। अब हम आ चुके हैं हमारे मेन विंडो की ओर। यहाँ देख सकते हैं अब आप गेट DBT डिटेल्स, हमें गेट DBT डिटेल्स से कोई लेना देना नहीं। अब अगर जन आधार स्टेटस, अब हमारा पहले से जन आधार बना हुआ है तो हमें स्टेटस देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने भामाशाह कार्ड बनाया है उसी को जन आधार के रूप में गवर्नमेंट ने परिवर्तित किया है। तो हम डायरेक्ट ई कार्ड की ओर बढ़ते हैं, गेट ई कार्ड पर क्लिक करते हैं। जैसे अब हम एक्नॉलेजमेंट नंबर की जगह हमें अब जन आधार आईडी प्राप्त हो चुकी है, जो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया था वो अंक यहाँ दर्ज करेंगे। जैसे हम यहाँ वो अंक दर्ज करेंगे तो गेट फैमिली मेंबर की लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें उस फैमिली में जितने भी सदस्य उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी। उनके पीछे मोबाइल नंबर जैसा कि मैंने आपको भी वहाँ बताया था उसी तरह से आएंगे। हम किसी भी एक व्यक्ति को सेलेक्ट करके उस पर मोबाइल नंबर पर हम OTP भेजेंगे। OTP प्राप्त होने के बाद हमें नीचे ये ई कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से हम ई कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और अधिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें।